नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर, दिन गुरुवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 14 सितंबर को बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। इन अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार दे रही मुफ्त टूल की। बिहार में 16 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड किए गए रद्द। जमीन सर्वे से जुड़े कागजात को ऐसे ऑनलाइन करे जमा, नहीं होगी परेशानी। प्रदेश के 8% शिक्षक अभी भी नहीं लगा रहे ऑनलाइन हाजिरी। 27 सितंबर को भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान रहेगी सुरक्षा की खास व्यवस्था। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 3000 पदों के लिए। इस भर्ती के तहत फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और मशीनिस्ट आदि के पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। जमीन सर्वे से जुड़े कागजात को ऐसे ऑनलाइन करे जमा, नहीं होगी परेशानी। बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा रही है। इसके लिए रैयतों को कागजात ऑनलाइन जमा करने होंगे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह है इससे संबंधित लिंक का ना खुलना। यदि सर्वे से संबंधित लिंक नहीं खुल रहे हैं तो कागजात अपलोड करने में परेशानी हो रही है, जिससे दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले लोगों के अपने जमीन का सर्वे करवाना बोझ बनता जा रहा है। लेकिन इस मामले में विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि कई बार लोग आवेदन के साथ अधिक संख्या में कागजात जमा कर रहे हैं, जिस वजह से कागजात अपलोड करने में परेशानी हो रही है। साथ ही सलाह दी गई है, यदि जमीन से संबंधित कागजात अधिक हैं तो आवेदन भी अलग अलग करना चाहिए, ताकि फाइल छोटी रहे और आसानी से वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सके। आपको बता दें कि जानकारी मीडिया खबरों के मुताबिक मिली है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नालंदा के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो अपने प्राचीन इतिहास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के कारण इस जिले की पहचान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी है, जहाँ प्राचीन समय में सुदूर देशों से भी कई छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस ऐतिहासिक जिले में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। इसमें हिलसा सर्किट, बिहार शरीफ सर्किट, पावापुरी गिरियक सर्किट, नालंदा सर्किट जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, कुंडलपुर आदि शामिल है। वहीं राजगीर सर्किट जिसमें राजगीर, ग्लास ब्रिज, घोरा कटोरा, सोन भंडार गुफा जैसी कई प्रसिद्ध जगहें शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार दे रही मुफ्त टूल किट। बिहार सरकार मुफ्त टूल किट के साथ अपने स्वरोजगार के सपने को साकार करने का मौका दे रही है। स्वरोजगार के लिए टूल किट वितरण के तहत इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटिशियन और प्लम्बर के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को फ्री में टूल किट दिए जाते हैं। 2023-24 में कुल 1666 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिला था। यदि आप भी इस पेशे से जुड़े हैं और स्वरोजगार के लिए उस पेशे से जुड़े टूल किट चाहिए तो आप बिहार सरकार के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। डायल 112 पर आ रहे कई अनचाहे कॉल को देखते हुए आम लोगों से की गई अपील। पुलिस, एम्बुलेंस जैसी कई आपातकाल सेवा के लिए हम डायल 112 पर कॉल करते हैं, लेकिन अब डायल 112 पर कई अनचाहे कॉल भी आ रहे हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जिन लोगों को वाकई इसकी ज़रूरत है उन्हें भी इन अनचाहे कॉल की वजह से अधिक इंतज़ार करना पड़ता है। बिहार प्रमंडल के दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल जून में डायल 112 पर करीब 4 करोड़ से ज़्यादा कॉल आए हैं, जिसमें कई बेवजह के कॉल की वजह से परेशानी बढ़ी। अब इससे लेकर दूरसंचार अधिकारियों ने बताया है कि आम जनता अनजाने में 112 सिस्टम पर कॉल कर रही है, जिससे पूरा सिस्टम जाम हो जा रहा है। ऐसा मोबाइल फ़ोन में सेटिंग की वजह से भी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और इमरजेंसी कॉल लग जाता है। इसलिए विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि अपने मोबाइल की सेटिंग की जांच करें और अनजाने में 112 पर कॉल करने से बचें।
बिहार के राशन कार्ड धारक अब राज्य में या बाहर कहीं से भी राशन वितरण का ले सकते हैं लाभ। बिहार में प्रदेश सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बड़ी घोषणा की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने बताया है कि अब बिहार के राशन कार्ड धारक राज्य में या राज्य से बाहर कहीं भी जन वितरण प्रणाली यानी PDS की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त 2024 में 89.49 लाख राशन कार्ड धारकों ने इस पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बिहार में 8.35 करोड़ लोगों को 51,185 PDS दुकानों के माध्यम से मुफ्त राशन खाद्यान्न मिल रहे हैं। जुलाई और अगस्त 2024 में क्रमशः 4.12 लाख और 4.05 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए गए हैं। 1.97 करोड़ राशन कार्ड धारियों में से 22.88 लाख अंत्योदय और 1.74 करोड़ पूर्वीकता प्राप्त गृहस्थी कार्ड धारक हैं। शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों का तबादले के साथ मिला प्रमोशन। बिहार में इन दिनों लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला चल रहा है। अभी तक कई IAS और IPS अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है, लेकिन अब शिक्षा विभाग में भी कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर सामने आई है। इसके तहत बीते बुधवार को 5 जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रमोशन देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। नए पद के साथ ही इनका तबादला भी किया गया है। इसके अलावा एक कार्यक्रम पदाधिकारी को स्पाउस ग्राउंड के आधार पर ट्रांसफर किया गया है। विभागीय अधिसूचना के मुताबिक पश्चिमी चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योगेश कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी तरह शिवहर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नासिर हुसैन को किशनगंज का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। कैमूर भभुआ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे को बक्सर का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। 14 सितंबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। दरभंगा में ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये जॉब कैंप 14 सितंबर को आयोजित होगा। इसका समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। इसमें 150 पदों पर इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आपको NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। क्या फास्टैग होगा खत्म? आया नया सैटेलाइट सिस्टम। क्या फास्टैग का समय खत्म होने वाला है? इसकी चर्चा काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब नया सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आ गया है। केंद्र सरकार ने GPS आधारित टोल प्रणाली को मंजूरी भी दे दी है, जिससे अब टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए आपको टोल गेट पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि शुरुआत में लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए फास्टैग और सैटेलाइट सिस्टम दोनों ऑप्शन उपलब्ध होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 को संशोधित करके इसमें सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को शामिल किया है। सैटेलाइट सिस्टम में गाड़ी के साथ लगे सिस्टम से ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। लेकिन इस सैटेलाइट सिस्टम के पूरी तरह से इस्तेमाल के बाद फास्टैग को बंद कर दिया जाएगा या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सैटेलाइट सिस्टम से 20 किलोमीटर तक का सफर फ्री रहेगा। इसके बाद टोल वसूल किया जाएगा। आपको बता दें कि फास्टैग RFID टैक्स पर काम करता है, जिसमें अकाउंट से बैलेंस करते हैं। अगर फास्टैग काम नहीं करता तो डबल टोल टैक्स देना पड़ता है, और ऐसा ही सैटेलाइट सिस्टम में भी होगा। डेंगू के लक्षण और उससे बचाव के उपाय। प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते डेंगू के खतरे के बीच IPRD बिहार के जरिए प्रदेश सरकार ने इससे बचाव और सुरक्षा के कुछ उपाय साझा किए हैं। आपको बता दें कि डेंगू संक्रमित एसिड मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर दिन में काटता है और पानी में पनपता है। डेंगू मच्छर के काटने पर तेज बुखार, सरदर्द, जोरों और मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, खुजली और थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इससे बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। साथ ही आसपास में किसी भी चीज़ों में, जैसे फूल के गमले, टायर या किसी बर्तन में पानी जमने ना दें। फुल कपड़े और पहने, जिससे मच्छर से पैरों और हाथों को सुरक्षा हो सके। सोने समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। पटना के गांधी मैदान में BJP के हुंकार रैली में हुए धमाका मामले में पटना HC का बड़ा फैसला। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को
बीजेपी की हुंकार रैली में बड़ा धमाका हुआ था। इस मामले को लेकर 4 आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अब बचाव पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए इन सभी के मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, जिससे अब इन सभी आरोपियों को जेल में 30 साल गुजारने होंगे। वहीं 2 दोषियों के लिए निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखा गया है। बिहार में 16 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड किए गए रद्द। बिहार में 16,37,000 राशन कार्ड को रद्द करने की बात सामने आई है। ये राशन कार्ड मृत व्यक्ति के नाम पर था। कई लोग इस कार्ड से हर महीने 5 किलो अनाज का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब EKYC हुआ तो इस मामले का खुलासा हुआ। इसके अलावा 2,77,000 लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं और दोनों राज्यों से सरकारी अनाज का लाभ ले रहे हैं। इसकी जानकारी खाद्य उपभोक्ता व संरक्षण विभाग के सचिव N. सरवन ने दी है। उन्होंने बताया है कि 8,35,00,000 राशन कार्ड में से 8,04,00,000 यानी 95% कार्डधारी का आधार सीडिंग हो चुका है। 5,10,00,000 लोगों का EKYC किया गया है, जबकि 3,24,00,000 प्रोसेस में है। EKYC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और कार्ड भी कैंसिल किया जा सकता है। बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली कंपनी ने बरती सख्ती। बिल भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली आपूर्ति कंपनियां अब सख्ती बरत रही हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अनुसार अप्रैल से अगस्त तक रोजाना औसतन 797 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया। कुल मिलाकर 1,21,965 कनेक्शन काटे गए हैं। इस दौरान 13,195 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 38.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 27.19 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। कंपनी ने 2,31,757 नए कनेक्शन भी दिए हैं और 21,00,000 स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी की आमदनी 3,570 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 276 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्री अशोक चौधरी का ऐलान ग्रामीण कार्य विभाग में होगी बहाली। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 231 सहायक अभियंताओं की बहाली की जाएगी। विभाग ने यह फैसला लिया है कि सड़क का निर्माण तभी होगा जब पुल के निर्माण की इजाजत होगी, बिना पुल के सड़क नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि पुल और पुल पुलियों के निर्माण में CM नीतीश कुमार ने विशेष रुचि दिखाई है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी के साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार भी दिखे। प्रदेश के 8% शिक्षक अभी भी नहीं लगा रहे ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश में अब ऑनलाइन हाजिरी किए जाने का प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। शिक्षक स्कूल में अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन ही लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया जाने के बाद भी 8% अभी भी शिक्षक ऐसे हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही किया जाएगा। सभी जिलों के शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे पता चला है कि केवल राज्य के 92% शिक्षक ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं। आज भी कम नहीं हुई सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता। बिहार से अपना संबंध रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से करियर में शानदार फिल्मों के जरिए बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया। उनकी कई फेमस फिल्मों में धोनी, छिछोरे, केदारनाथ और काइपोचे शामिल है। 2020 में उनकी मौत के बावजूद उनके काम को आज भी सराहा जाता है। खासकर छिछोरे का गाना खैरियत पूछो अब भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस गाने को YouTube पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जो इसके अपार लोकप्रियता को दर्शाता है। इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया था और वीडियो में सुशांत और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी है। आपको बता दें कि फिल्म छिछोरे टीनेजर्स और उनकी पढ़ाई के दबाव को लेकर बनी थी और इसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। अंतिम समय में मॉनसून की बढ़ी सक्रियता। मॉनसून का अंतिम समय है, लेकिन अब अंतिम समय में भी मॉनसून अपनी सक्रियता दिखा सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश में पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है।
बिहार के लोग शेयर बाजार म्यूचुअल फंड जैसे क्षेत्रों में दिखा रहे रुचि। बिहार के लोग अब शेयर बाजार म्यूचुअल फंड जैसे क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। पहले इस मामले में बिहार के लोग दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अब निवेश के मामले में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में बिहारी निवेशकों की संख्या में 500% तक की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार और बुलियन मार्केट से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक बिहार के लोगों की रुचि शेयर बाजार म्यूचुअल फंड और सोना में निवेश करने की बढ़ी है, जिससे बिहार की तस्वीर बदल रही है और राज्य विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। राजधानी पटना को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की चल रही कवायद। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों स्वच्छता अभियान को लेकर कवायद चल रही है। पटना को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की कोशिश की जा रही, साथ ही शहरवासियों को कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकने का संकल्प दिलवाया गया है। इस मामले को लेकर बिहार राज्य आवास बोर्ड के सभाकक्ष में टोटल सेग्रीगेशन विषय पर मंत्री नितिन नवीन ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का सहयोग पटना को ग्रीन सिटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तेजस्वी ने जनता के लिए किया बड़ा ऐलान, राहुल गांधी के बचाव में कही बात। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी आभार यात्रा बिहार भ्रमण के लिए निकले हैं। बीते दिन समस्तीपुर में उनकी यात्रा पहुंची, यहां उन्होंने जनता से बड़ा वादा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बिहार में बनी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। वहीं राहुल गांधी के विदेश में दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। इसी को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के पक्ष में कहा है कि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि वे जाति आधारित जनगणना कराएंगे, संविधान और आरक्षण को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, फिर भी उनके बयान को गलत तरीके से पेश करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेकर लालू यादव पर बोला हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी अमेरिकी यात्रा पर है। विदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे लगातार बीजेपी और अन्य एनडीए के सहयोगी दल निशाने पर ले रहे हैं। अब इसी बीच राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है और लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कब रगड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी को लेकर एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण समाप्त करने संबंधी विदेश की धरती पर दिया गया बयान कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के असली चरित्र और मानसिकता को उजागर करता है। 27 सितंबर को भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान रहेगी सुरक्षा की खास व्यवस्था। 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच होने वाली है। मैच को लेकर सुरक्षा के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुपर जोन में दोनों टीमों के खिलाड़ी रहेंगे। जोन में वीवीआईपी मेहमान, सेक्टर में वीआईपी दर्शक और सब सेक्टर में आम क्रिकेट प्रेमियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। टेस्ट मैच के लिए एक विशेष पुलिस सेल भी बनाई गई है, जिसका कार्यालय स्टेडियम में होगा। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता को देखते हुए स्टेडियम पर सीसीटीवी निगरानी की जाएगी, ताकि मैच बिना किसी विवाद के संपन्न हो सके। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए स्टेडियम का निरीक्षण किया और पार्किंग तथा यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा की है। कई कानों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डानेल्स जल डमरू मध्य को तैर कर पार किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया था। आज के दिन वर्ष 2009 में भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आखिरी दौर में अमेरिका को 3-1 से हरा कर 7वें स्थान पर रही थी। आज के दिन वर्ष 1898 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद और लोक सेवक बलदेव प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। कौशल भारत कुशल भारत योजना के नाम पर हो रही धोखाधड़ी। कई लोगों को कौशल भारत कुशल भारत योजना के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। दरअसल KBKBY government.online नामक एक वेबसाइट को भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट होने का फर्जी दावा किया जा रहा है और इसी वेबसाइट पर आवेदन के जरिए नौकरी देने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये वेबसाइट केंद्र सरकार की नहीं है, साथ ही किया जा रहा दावा भी फर्जी है, इसलिए इस तरह के फर्जी खबरों से सतर्क रहें। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी शेयर करते हुए फर्जी बताया है।
ना करें ये काम, वरना आपका नंबर भी हो सकता है ब्लैकलिस्ट। सरकार ने मोबाइल कनेक्शन से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए नए कदम उठाए हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार संचार साधी के सहयोग से फ्रॉड वाले नंबरों की पहचान कर उन्हें बंद किया जा रहा है। ट्राई और DOT ने टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये कदम उठाया है। मंगलवार को मंत्रालय ने नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप रेट्स और पैकेट ड्रॉप रेट्स में सुधार की बात की और बताया कि अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। स्पैम कॉल्स और रोबो कॉल्स पर रोक लगाने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कनेक्शन बंद करने और ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। करीब 3.5 लाख नंबर बंद किए गए हैं और 50 एंटिटी ब्लैकलिस्ट की गई है। संचार मंत्रालय ने नेटवर्क सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और ट्राई ने रेगुलेशन में सुधार किया है जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। इसके अलावा आप भी अपने पर्सनल मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल जैसे प्रमोशनल कॉल्स से बचें, क्योंकि इससे आपका नंबर भी ब्लॉक हो सकता है। हम प्रतिदिन आपसे पाँच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, BRS रिजल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है मालदीव। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर असम। हाल ही में 2 दिवसीय पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका सही उत्तर है लखनऊ। भगवान महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है पावापुरी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोहम्मद रहमतुल्ला, सादुल्ला पालवी, बिरजू कुमार, राजीव कुमार, भरत प्रसाद, रमन मिश्रा, रिंकी कुमारी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रमेश कुमार, प्रदीप पंडित, सुनील कुमार, प्रवेश कुमार, सानिया प्रवीण, विकास शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।